रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। मेरे चीचा वतनी साहिवाल से गुजरते हुए जब वो हमारी नजर इस आवेजा तस्वीर पर पड़ी तो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये सिपाही कहाँ रहते थे। हम इनके घर पहुँच गए। आज हमारा मौजू है सिपाही मोहम्मद सफदर शहीद। बेटा पैदा होए तो खुशी होंदी है ना, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी खुशी कीती सी। बेटा पैदा होया, उदी अच्छी तरबीयत उन्हें दिती, अच्छे तरीके ना पालिया बेटे नू। माशाल्लाह हुण तुसीं तस्वीर देखी, इत्थे बेटे का मूँह आप थोड़ा खादा, अपने बेटे नू ज़्यादा खवाया। फौज में वो खेलता था कबड्डी, इधर आर्मी वाले आए थे, उन्होंने को सेलेक्ट किया तो तुम हमारे पास आओ। वो चीचा वाली दफ्तर बना हुआ है, इधर गया जाके उन्होंने उसको चेक किया, फिर उन्हें अकाड़े बुलाया, इतने जाके ट्रायल देकर आया, वो अलग ही तो पास हो गया। ऐसे बच्चे बहुत कम हैं दुनिया में जो आसमान की बुलंदियों को छू जाते हैं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। मोमिन की मेराज को पहुंचने वाले शहीद सिपाही मोहम्मद सफदर की अजमत को सलाम। उसको छोड़ने के लिए मैं गया हूँ शहर तक, उधर भी गया। वो यही बोल रहा था अबू किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सगो मैं ये कहता रहा कि परेशानी तू नहीं करनी, असी जो है तेरे सिर थे। अगू यही गल कहता रहा भी परेशान तुसी नहीं होना। तो इतों गए नौ अठ दिन सी, नौवे दिन शहीद हो गए। जब छुट्टी आए थे ना, वो मंगनी कराने के पहले वो छुट्टी है, मोटरसाइकिल उनसे निकाला, लगा के इसके ऊपर हाथ मारा, तो मैं भी साथ खड़ा था, हाथ मारा, इसको बोला कि आप तकड़ा हो जाए, मैं आ गया हूँ। बाद में पता नहीं किसी ने इस पर सवाल ना। एक माँ की जुर्रत, सब्र और बहादुरी को हम दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। वो माँ जिन्होंने अपना प्यारा इकलौता बेटा वतन के हवाले किया और सुरखरू हुई, यकीनन ये शहीद सिपाही मोहम्मद सफदर की माँ है। फौज जानदा उन्हें बहुत शौक सी, बहुत शौक से उन्हें पहले शुरू तो पढ़ता सी ना, यानी कि सतवीं अठवीं में पढ़ता सी, उदो ही उन्हें बहुत शौक सी। असीं उन्हें कहिंदे सी कि तू कम कर ला, यानी कि एक बेटा वा तो उन्हें फिर खेलन का शौक सी, ते फिर खेलदा खेलदा यानी कि आपे ही उन्हें फिर इस काम की तवज्जो की, फिर वह यानी कि ट्रायल दे के आया वा, तो अल्लाह का शुक्र आ पास हो गया वा, फिर माशाल्लाह मेरे बेटे ने नौकरी मिल गई। साढ़े कहने ते नहीं गया, अपनी खुशी ना गया। करेले गोश्त चावल मुर्गा बस ये चीज़ का शौक हूँ। जान लगा मैनू ये कह के गया, असी माँ पुत खाना खा रहे हैं, ये कहिंदा अम्मी तू परेशान ना होया कर, ते तुहानू ये नहीं पता कि शहीद दा रुतबा की चीज़ है। मैं कहा बेटा तू एक ही तो है, तो पुत तू इदा दी गल ना करिया कर। कहिंदा अम्मी नहीं तेनू इस चीज़ का नहीं पता। तो मैं फिर ना पहले मैं इदा कहिंदी रही, बाद विच फिर मैं उन्हूं ये कह दिता, मैं कहा अच्छा तेनू पता भी यानी कि साढ़े उस्ताद जिहड़े उह कहिंदे आ कि इस चीज़ का रुतबा बहुत, अम्मी तेनू नहीं इस चीज़ का पता, यानी कि मैनू ये शौक आ। मैं फिर ये कहा, मैं कहा चल अच्छा अल्लाह की शुक्र, ये गल मैं कही आ। तो फिर आया मंगनी करती आ, मंगनी तो बाद मेरा बेटा वापस नहीं आया। आइए रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं, उस वाकये की बाबत आपको बताते हैं।
जिसमें सिपाही मोहम्मद सफदर शहीद की शहादत का तस्करा है। 8 जून सन 2011 वक्त तकरीबन 8:30 शब सिपाही मोहम्मद सफदर जुनूबी वजीरस्तान में मरूबी पोस्ट यानी मकीन के मकाम पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि अचानक दहशतगर्दों ने पोस्ट पर कब्जा करने के लिए शिद्दत से गन मशीन और रॉकेट का फायर किया, जिसका सफदर शहीद ने डटकर मुकाबला किया, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा जाता है कि उन्होंने जवामर्दी से आखिरी सांस और आखिरी गोली तक दुश्मन के साथ डटकर मुकाबला किया। दौरान मुकाबला गोलियों का एक ब्रस्ट उनकी छाती पर आ लगा, जिससे मोहम्मद सफदर शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब न लाकर जामे शहादत नोश कर गए। जंगें कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती, आखिर आपको मुज़ाकरात के टेबल पे आना पड़ता है। यकीनन जो लोग मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम उनको ट्रैक करें, उन लोगों को ट्रैक करें, उन पे ऑपरेशन करें, उनको उठाएं, ना कि हम एक पूरे इलाके में सारी दुनिया को हम परेशान किए हुए हैं। और जो बच्चे हमारे वहाँ शहीद हो रहे हैं, इन सब का खून भी उन लोगों के सर पे है जिन्होंने ये बिला वजह की जंग का आगाज किया। कहा जाता है कि एक इंसान को मार देने का मतलब कुरान हकीम ने कहा कि पूरी इंसानियत को मार देना है। तो जब तक हम नहीं देखते इंसान के हक की हिफाजत नहीं करते, उसके जीने के हक की हिफाजत नहीं करते, उस वक्त तक हमारे यहाँ यही कुछ होता रहेगा। और जितना ज़्यादा हमने सहा है, जितनी ज़्यादा हमने लाशें उठाई हैं, जितना खरबों डॉलर के हमारे नुकसान हो चुके हैं, तो इसके बाद मेरा ख्याल हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम इस जंग से कैसे बाहर आ सकते हैं। खुद शहादत का जो जज्बा है वो जिंदा रहता है, लेकिन औलाद का जो धक्का है ये इंसान को वक्त से बहुत पहले बूढ़ा कर दे। जब गोलियां ख़त्म हुई, ये नीचे दौड़ कर आया, नीचे आया तो थल्ले तालिबान बैठे थे। वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले। आज चीचवतनी के इस गांव को शहीद सफदर अली ने रौनक बख्शी है। तुम्हारे लिए मेरे नगमे तुम्हारे लिए। खेल का बहुत शौक था तो मैंने फौजी बना है, मैंने फौजी बनना है। खेल का बहुत शौक था, कभी बाजार जाना तो अपनी मम्मा के हमारे साथ चले जाना, वो खेलने वाले जो जूते होते हैं वो लेने, मैंने यही लेने, हमें ना मिलने, हमने कहना वो तो मिल नहीं रहे, बस बर्दाश्त तो नहीं हो सकता लेकिन करना पड़ता है जब अल्लाह की हो जाए। देख दे बस वो अज दिन तक जिक्र जरा हो जाता नहीं दिल तो, अज दिन तक याद नहीं जाती कि जो बैठ जाइए सदर दिया गल् सारे बच्चे सब दल नहीं सदर इदा करता सी पिछले गल कर हसना सी। बहुत शुगल, बहुत बचपन से बहुत शुगल थी, बड़ा होके खेलों का शौक हो गया। इस तरह दिन अच्छे गुजरे जिन्हें भी गुजरे। डॉक्टर जवाद जाफरी एक उस्ताद होने के साथ साथ शेरी मैदान में भी आगे हैं। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी को वो किस तरह देखते हैं, किस तरह उन लफ्जों को एक नज्म के पैराए में ढालते हैं, मुलाहिजा कीजिए। इससे पहले के चमन रंगों से खाली हो जाए, क्यों ना उजड़े हुए गुलशन की बहाली हो जाए। क्या जरूरी है कि हम खुद को फना ही कर लें, क्या ये मुमकिन है कि ये शहर मिसाली हो जाए। अपने खेतों में लगाने हैं मुझे अमन के बाग, अपने खेतों में लगाने हैं मुझे अमन के बाग, इससे पहले के फिजा चिड़ियों से खाली हो जाए। जंगजू देगा कहाँ से इसे तू सिक्का अमन, कोई बच्चा जो तेरे दर पे सवाली हो जाए। इसलिए मैंने बसाया था जवाज अमन का शहर, इसलिए मैंने बसाया था जवाज अमन का शहर, लश्करी आए और इस शहर का वाली हो जाए। शहीद सिपाही मोहम्मद सफदर ने सन 2009 में फौज में शमूलियत इख्तियार की।
मैदान जंग में साबित कर दिया कि वो एक दीनदार और मेहनती नौजवान थे। दहशतगर्द एक नहीं था ये, वो कम से कम 200-300 आदमी था। ये पहले खाना खा रहे थे, इसको साथ वाले यूनिट बैठी, उसने बताया कि आप पर हमला होने वाला है, भी अपना इंतजाम कर लो। इन्हें कभी झूठ मार दिया आदमी वाले। जब वो सारे ऊपर आ गए, उन्होंने हमला किया, जो नीचे थे वो शहीद हो गए। इन्हें जल्दी जल्दी जाके अपनी पोस्टों संभाली। ये सात मुंडे थे, छह यकदम शहीद हो गए, ये अकेला लड़ता रहा। बड़ी गन के साथ पट्टे लगे थे, लड़ता रहा। ये खानेवाल का था, इसके साथ उसके राकर लांचर लगा, ये गर्दन उसकी उड़ गई। ये गर्दन उड़ी तो फिर पट्टे चढ़ाने वाला कोई नहीं था, गोलियां गई। जब गोलियां खत्म हुई, ये नीचे दौड़ कर आया। नीचे आया तो थले तालिबान बैठे थे, उन्होंने काबू कर लिया। उनके साथ भी लड़ा, पर उन्होंने गोलियां इतनी मारी गए ये ताब ना ला सका। ये तो वो जो साथ था, अफसर था, पहाड़ पत्थरों के नीचे आया हुआ था, उन्होंने बताया कि ना मैं खुद साथ था, ऐसे सफदर था, ऐसे मैं था। वतन के सजीले जवान, राह हक के शहीदों को बिलाशुबा वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, इसलिए कि अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द करना कोई मामूली बात नहीं, मगर जिसका जज्बा जवान हो वही निडर होकर मुल्क के सरहदों की हिफाजत के लिए कमर बस्ता होता है। मैं समझता हूँ इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, अगर किसी जानवर का बच्चा मर जाता है तो जानवर पता नहीं कितना अरसा उसके लिए उदास रहता है। मैं एक बड़ी सादा से आपको दुनियावी मिसाल देता हूँ कि एक भैंस का बच्चा मर जाता है, उसे दूध लेने के लिए उस बच्चे की खाल के अंदर वो भूस भर के उसके पास खड़ा करते हैं तो दूध देती है। ये जाए के एक इंसान को जो पढ़ा लिखा है, फातुल अकल नहीं है, दुनिया की हद होश रखता है, दुनिया को पढ़ाता और समझाता है, उसका जब अपने कलेजे पे हाथ पड़ता है, जब उसकी अपनी औलाद इस तरीके से जाती है, खुद शहादत का जो जज्बा है वो जिंदा रहता है, लेकिन औलाद का जो धक्का है ये इंसान को वक्त से बहुत पहले बूढ़ा कर देता है। ये वो तकलीफ है जिसको हम बर्दाश्त तो कर जाते हैं अल्लाह के नाम पे, लेकिन तमाम उम्र ये सीने में एक घुटन और एक चुभन और एक जलन होती है। जब भी कहीं कोई ऐसा वक्त आता है तो वो बच्चा सबसे पहले याद आता है। मैंने तो इसकी ये मिसाल भी देखी है कि बाज़ औक़ात मेरा एक ही जो बच्चा रह गया वो कभी ये कहता होता है कि अब्बू आपका एक ही बेटा था जो शहीद हो गया, यानी कि उस बच्चे की कमी ये बच्चा भी पूरी नहीं कर सकता, किसी की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। ये कहानियाँ हैं, ये ड्रामों अफसानों में आप जो मर्जी फिल्मों में बना लें, हकायक और ड्रामों में फ़र्क होता है। दे रही हो वो तुमको दुआएं। 8 जून सन 2011 की तारीख इनके घर वाले कभी नहीं भूल सकते। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। जिस वक्त मेरे बेटे का नहीं सी फोन आंदा, उस वक्त मैं ना कॉल करदी सी, फिर जेड़ा बैठा हुंदा सी ना मोबाइल ते, वो फिर मैंने दसदा से कि यानी कि वो बाहर अंदर गए आंदा तुहाडी गल करना। वो मेरे को फोन लिखिया सी, वो मुंडा आया लैन, उन्होंने मैं उस वक्त दिता। उन्होंने फिर मैंने कहा कि यानी कि दसिया भी ना, थोड़ा जहा पता मैंने चल गया, ये काम करते मिस्त्रियों का, इन्होंने फिर मैं मगर गई उ मैं दसिया। मैं क्या मेरा दिल कहता कि सफदर शहीद हो गया। उन्हें क्या इस तरह फोन भी आया वा तुहानू सुबह, उन्होंने सानू ये नहीं दस्या, उन्होंने ये कहा कि यानी कि असी तुहाडे कोले आना वा, कोई चीज़ आ साडे कोले वो असी तुहानू पहुँचाउणी आ, किस तरीके नाल पहुँचाइए, किस तरह आईए। इन्हां ने दस्या कि इस तरह तुसी आओ, आ के ते यानी कि यह साडा गाँव आ,
इस सड़क पर आ जाओ, इदा इदा सारी गल असी दसी उन्होंने, उन्होंने सानू नहीं दसिया। सानू जेड़े दूसरे लड़के से ना, उन्होंने सानू दसिया कि ताडा सफ्तर शहीद हो गया। मुल्क की अजमत और सरबुलंदी की खातिर जान देने वाले बहादुरों को सलाम। आज ये सीना तान कर खड़े हैं तो हम आजादी का सांस ले रहे हैं। ये दहशत गर्दों का मर्दाना वार मुकाबला कर रहे हैं तो हम आज अमन के गीत लिखने के काबिल हैं। ऐ वतन के सजीले जवान।